नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले से राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी के बीच विभिन्न मुद्दों पर टकराव जारी है, लेकिन बुधवार को सीएम ममता बनर्जी अचानक राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने राजभवन गयी। राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच लगभग 2 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि शायद राज्यपाल और सीएम के बीच टकराव अब थम जाएगा। हालांकि दोनों के बीच किस मुद्दे पर बातचीत हुई इस बारे में कुछ खुलासा नहीं किया गया, लेकिन विधानसभा सत्र के बाद सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच यह बैठक राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार ने राज्य में विधान परिषद गठन का विधेयक पारित किया है। ममता सरकार राज्य में विधान परिषद गठन करना चाहती है। दोनों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। बुधवार को मुख्यमंत्री नबान में कोरोना नियमों को लेकर एक अहम बैठक में शामिल हुई। वहां से वह सीधे राजभवन पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी करीब शाम 4 बजे राजभवन पहुंचे और लगभग 2 घंटे तक राजभवन में रही। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के बाद हुई हिंसा के संदर्भ में राज्यपाल मुख्यमंत्री के समक्ष चिंता जताई। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी कल विधानसभा में मुकुल रॉय को पीएसी चेयरमैन बनाए जाने के विरोध में राजभवन पहुंचे थे। इस बारे में ममता और धनखड़ के बीच चर्चा होने की संभावना है। जब से जगदीप धनखड़ ने संवैधानिक प्रमुख के रूप में पदभार संभाला, तब से राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव चल रहा है। हालांकि इस टकराव ने नया रूप तब ले लिया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद राज्यपाल पर जैन हवाला मामले में शामिल होने का आरोप लगाया। हालांकि राज्यपाल ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि उस घटना के बाद से राज्यपाल के ट्वीट की संख्या कम हुई है। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें, देखते रहिए सीटीडी न्यूज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।